दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली करारी हार के बाद सभी की नजरें होने वाले भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीज पर हैं। ऐसे में T20 मैचों की सीरीज तो बेहद ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में देखना होगा कि क्या युवा भारतीय खिलाड़ी BCCI की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए बताते हैं आपको पहला T20 मुकाबला कब और कहां कितने बजे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का हारना बेहद ही दुखद था, जबकि उस टीम में सभी सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसे नहीं हारना था किसी भी हालत में। लेकिन अब सभी की नजरें होने वाले भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीज पर हैं। भारत को श्रीलंका दौरे पर दो सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम पहले 13 जुलाई से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, जबकि 21 जुलाई से 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेलना है। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में 21 जुलाई को पहला T20 मैच खेला जाएगा। वैसे तो इसका प्रसारण शाम 7 बजे से किया जाना था, लेकिन समय में परिवर्तन के कारण अब ये मुकाबला रात 9 बजे से शुरू किया जा सकता है। मौसम की बात करें तो श्रीलंका के कोलंबो में मैदान पर मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है, और जबकि शाम के समय टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक रह सकता है। वहीं इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी चैनल पर किया जाएगा, और अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार के जरिए भी आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये सीरीज काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि वैसे तो भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है, क्योंकि अभी तक T20 मुकाबलों की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच में 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम 13 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। वहीं श्रीलंका के हाथों सिर्फ 5 मुकाबले ही लग पाए हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है कि भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ी अभी इंग्लैंड दौरे पर हैं, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन बावजूद इसके टीम मैनेजमेंट ने शिखर धवन के ऊपर टीम की जिम्मेदारी थमाई है। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे के लिए BCCI ने युवाओं से सजी एक भारतीय टीम घोषित करी है, जिसमें 6 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। लेकिन भले ही इन खिलाड़ियों ने अपना इंटरनेशनल मैच ना खेला हो, लेकिन इनके पास क्रिकेट में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, और भारतीय टीम के इन युवा खिलाड़ियों के जज्बे को देखकर ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम श्रीलंका को बुरी तरह से हराने वाली है, और जिसके लिए खिलाड़ियों ने अभी से अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। और शिखर धवन इस दौरे पर बतौर कप्तान ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जो BCCI की उम्मीदों को तोड़ दे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाला पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर श्रीलंका? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।